अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में हुकूमत का सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान। वज़ीर सेहत का कहना है कि 28 फरवरी से गैर मुल्की मुसाफिर कनाडा दाखिल हो सकेंगे। मुसाफिरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट की इजाज़त होगी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में खसूसी मौसमी बयान नाफिज। शहर में 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। खसूसी मौसमी बयान के मुताबिक शहर में बारिश और मुंजमद बारिश की तवक्को है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमू तादाद 32,41,869 तक जा पहुंची। हलाकतें 36,041 हो गई। रूस ने यूक्रेनी बागियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के अलीहदगी पसंद इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान। भारत यूक्रेन से शहरियों को निकालने के लिए परवाजें चलाएगा। अक़्वामे मुत्तहिदा का अफगानिस्तान के स्कूलों के असातिज़ा को वजीफा देने का ऐलान। असातिज़ा को 2 माह तक तकरीबन 100 अमरीकी डॉलर बतौर वजीफा दिया जाएगा। रकम मुकामी अफगानी करेंसी में दी जाएगी जिसकी अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगा। ट्विटर पर बंदिश के बाद ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दी। ट्रंप की ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप में शामिल। ट्विटर यूट्यूब ने साबिक अमरीकी सदर का अकाउंट हज़्फ़ कर दिया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मोजी वायरस से अमवात 59,11,515 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 42,67,50,800 तक जा पहुंची। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के बाद सफरी पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के बाद सफरी पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया गया है। कैनेडियन हुकाम ने कहा है कि कनाडा कोविड केसेस में कमी के बायस 28 फरवरी से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा बैन अलावी मुसाफरों के दाखिले में आसानी पैदा कर देगा, जिससे मुसाफरों के लिए मॉलिक्यूलर के बजाय तेज रफ्तार एंटीजन टेस्ट की इजाज़त होगी। एंटीजन टेस्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट से सस्ते होते हैं और मिनटों में नतायज फराहम कर सकते हैं। नए इकदाम जिनमें कनाडा में दाखिल होने वाले वैक्सीन शुदा मुसाफरों की रैपिड टेस्टिंग शामिल है का ऐलान वफाकी हुकूमत के वज़रा ने एक ब्रीफिंग में किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि कनाडा मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा कैनेडियन शहरियों के लिए कोरोना वायरस टेस्टिंग की शराइत को छोड़ने पर नज़र रखेगा, जो बैरून मुल्क आम तौर पर रियासत हाय मुतहदा में मुख्तसर सफ़र करते हैं यानी 72 घंटे से भी कम हैं। उन्होंने नामा निगारों को बताया कि ये तब्दीलियाँ ना सिर्फ इसलिए मुमकिन हैं कि हमने ओमिक्रॉन की लहर को अबूर कर लिया है, बल्कि इसलिए कि मुल्क भर में कनाडा के रहायशियों ने साइंस और माहरीन की बात मानी है। वजारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 80% कैनेडियन मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा हैं और 40% से ज़्यादा ने बूस्टर डोज भी ले ली है। कैनेडियंस के लिए आलमी सफरी एडवाइजरी को भी तब्दील किया जा रहा है। पहले हुकूमत ने तमाम गैर ज़रूरी सफ़र के ख़िलाफ़ सिफारिश की थी
और अब वो शहरियों से सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद कर रही है। कनाडा की नेशनल एयरलाइंस काउंसिल की अबूरी सदर सुजान एक्टिन ग्राउस ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का आज का ऐलान मुसाफरों, हमारी सनत और कैनेडियन मईशत के लिए जो तजारत और सयाहत पर इन्हिसार करता है, दोनों के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। अल्बर्टा, सैस्किचुआन, क्यूबैक और पीर को कनाडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे ऑन्टेरियो समेत मुतादित सूबों ने कोरोना वायरस केसेस की शरह में कमी के बायस वबाई अमराज के दौरान आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। कनाडा में मुजाहरीन ने सरहदी गुजरगाहों को महदूद कर दिया है और ओटावा के मरकज को हफ्ते से मफलूज कर दिया है और हुकूमतों से वबाई पाबंदियों को वापस लेने का मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीरे आला ने उन्हें मुतमईन करने के लिए पाबंदियों को कम करने की तरदीद की है, बल्कि इसके बजाय कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए अब हुदूद की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में खसूसी मौसमी बयान नाफिज है, जबकि आने वाले दिनों में शहर में सर्दी में मजीद इजाफे की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में खसूसी मौसमी बयान नाफिज है, जबकि आने वाले दिनों में शहर में सर्दी में मजीद इजाफे की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी खसूसी मौसमी बयान के मुताबिक शहर में बारिश और मुंजमद बारिश की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जबकि शहर में पहले से जमी बर्फ में भी इजाफा हो सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि किसी भी गैर मुतवक्के या सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकामी कंजर्वेशन अथॉरिटी या ऑन्टेरियो के वज़ारती कुदरती वसाइल से राब्ता करें। दरियासना मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि शुमाली ऑन्टेरियो के कुछ हिस्सों बशमूल फोर्ट सियरन, टिमिन्स और केनोरा के लिए शदीद सर्दी की वार्निंग नाफिज है, जहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड के तनासब से ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,87,937 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,264 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,41,869 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,041 हो गई। मुल्क भर में 30,77,537 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,87,937 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,264 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबैक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,11,399 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,853 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,19,970 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 3,830 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,43,631 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,786 है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए और वाइफ के लिए एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ हेल्प यू लिविंग फॉर द होल फैमिली। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com।
रूस और यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रूस ने दो यूक्रेनी रियासतों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का रूसी इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए अलहदा होने वाले इलाकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रूस ने दो यूक्रेनी रियासतों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का रूसी इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए अलहदा होने वाले इलाकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन की दो रियासतों डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी फौज दाखिल करने का हुक्म दे दिया है। खिताब में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के मशरकी इलाकों में कत्लेआम मुसलसल कई सालों से जारी है। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका है, जिसका मकसद फिजाई राहदारी को कंट्रोल में रखना है। अमरीका, जर्मनी और बरतानिया ने रूसी इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए अलहदा होने वाले इलाकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकियों को उन इलाकों में सरमायाकारी या तिजारत से रोक दिया जाएगा। सदर बाइडन रूसी इकदाम पर जल्द नया हुक्मनामा जारी करेंगे। बरतानवी वजीर आजम भी रूसी सदर के इकदाम के खिलाफ बोल पड़े। बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूसी सदर बैनुल अक्वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुतिन के इकदाम से चीजें गलत सिम्त में जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी रूसी सदर के इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेन के इलाकों को आज़ाद तस्लीम करना कैफ की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पुतिन का फैसला अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों से मुतसादिम है। यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन की अलहदगी पसंद इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीका, जर्मनी और बरतानिया ने रूसी इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए अलहदा होने वाले इलाकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकियों को उन इलाकों में सरमायाकारी या तिजारत से रोक दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बायस भारत यूक्रेन से अपने बाशिंदों को निकालने के लिए 3 खसूसी परवाजें चलाएगा। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल ने अफगानिस्तान के स्कूलों के असातिज़ा को वजीफा देने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफ़ाल ने अफगानिस्तान के स्कूलों के असातिज़ा को वजीफा देने का ऐलान किया है। यूनिसेफ के मुताबिक असातिज़ा को 2 माह तक तकरीबन 100 अमरीकी डॉलर बतौर वजीफा दिया जाएगा। रकम मुकामी अफगानी करेंसी में दी जाएगी, जिसकी अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगा। प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1,94,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को अदायगियाँ की जाएंगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी के बाद ट्रूथ यानी सच्चाई के नाम से अपनी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जाती ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च होते ही एप्पल ऐप स्टोर की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी के बाद ट्रूथ यानी सच्चाई के नाम से अपनी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दी। आलमी खबर रिसा अदारे के मुताबिक जनवरी 2021 में अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर ट्रंप के मुश्तमिल हामियों के हमले के बाद ट्विटर और यूट्यूब ने साबिक सदर का अकाउंट हजफ कर दिया था। सामाजिक रबते के प्लेटफॉर्म्स ने इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर अपने हामियों को उकसाने के लिए इश्तियाल अंगेज पोस्टिंग करने का लगाया था, जिस पर साबिक सदर ने अपनी सोशल मीडिया ऐप लाने का ऐलान किया था। अपने ऐलान पर अमल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल मोबाइल फोन्स के सार्फिन के लिए एक ऐप मुतारिफ करा दी है। ट्रुथ सोशल नामी ऐप को एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तजर्बाती मरहले के दौरान सार्फीन इस ऐप को सिर्फ उसी सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं जब उन्हें इस ऐप का रजिस्टर्ड सार्फ शमूलियत की दावत देने के लिए लिंक फराहम करें। ये ऐप ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के तवसुत से लॉन्च की गई है। ताहम अक्सर सार्फीन ने शिकायत की है कि ऐप डाउनलोड करने में मुश्किल का सामना है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के अतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,60,157 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 42,67,50,800 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से अमवात 59,11,515 हो गई। 35,40,40,225 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,60,157 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 8,01,45,282 हो चुकी है।
1 अरब से زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,12,371 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 4,28,51,929 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 69 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,986 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,40,396 تک جا پہنچی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔